काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि बताइए सर, धन और फायर्स में किस में हम ओपन कराएं। तो दोस्तों देखिए, मेरी राय जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस में ओपन कराना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं धन में अकाउंट ओपन कराया हूँ, तो गाइस मैं बता दूं इसका जो फीचर है काफी ज्यादा लैग करता है, कभी कभी तो टाइम तो पूरा ही गायब भी हो जाता है। गाइस मोबाइल एप्लीकेशन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो ये वेब टर्मिनल है काफी मतलब की बहुत लैगिंग होता है, कभी कभी तो क्या होता है कि गायब हो जाता है, और इसका जो चार्ट है वो बहुत स्लो है। फीचर्स इसमें आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो गाइज अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो फिर आपके लिए ये बेस्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों अगर आपके पास इक्विटी वगैरह ट्रेडिंग, और गाइज इसमें जो नॉर्मल आप देखेंगे कि जो भी अपस्टॉक है, दोस्तों अगर अपस्टॉक का आपको अकाउंट खुलवाना है तो काफी अच्छा हुआ है, तो आप मेरे लिंक से खुलवा सकते हो और उसके बाद आप बोनस पा सकते हो वहीं पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। तो गाइस चलिए अब देख लेते हैं। तो दोस्तों धन में क्या प्रॉब्लम है, यही दो तीन प्रॉब्लम है, लेकिन गाइस इसके फीचर्स काफी कमाल है कि अगर ऑप्शन चार्ट आप खोलना चाहोगे तो वहीं पे खुल जाएगा। मतलब मेरे को नहीं लगता, मेजर मेजर दो तीन ही फीचर्स इसके अच्छे लगते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन में क्या है कि नए नए टैब खुल जाते हैं, कि आप एक टैब जैसे अगर मोबाइल से करना चाहो तो एक अगर मोबाइल है तो इजिली हो जाएगा। दोस्तों वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक मोबाइल एनफ है काफी ज्यादा, क्योंकि एक ही चार्ट देखना रहता है, एक लैपटॉप की भी नीड नहीं पड़ेगी अगर आप ऑप्शन चैट अगर ट्रेडिंग करते हो तो। एक मोबाइल दो मोबाइल रहे तो आप इजीली मोबाइल से ही कर सकते हो, अगर बहुत भौकाल बनाना है। देखिए चार पांच स्क्रीन लगाने से नहीं होता है, आपको ट्रेड करना आना चाहिए, चार पांच स्क्रीन लगा लो और ट्रेडिंग करने नहीं आ रहा तो फिर क्या मतलब है। बात कर लेते गाइस फायर्स, फायर्स का गाइस इस कंपेयर टू धन काफी अच्छा है, क्योंकि गाइस इसका जो देखिए मेरा अकाउंट नहीं है, मैं इसको अपने रेफरल से नहीं करा रहा, लेकिन दोस्तों जो मेरे दोस्त जो मेरा जो दोस्त है वो यूज करता है, ट्रेडिंग भी करता है, तो जो बोलता है भाई फायर्स बहुत अच्छा है, इसका जो टर्मिनल वगैरह जो भी इंटरफेस वगैरह सारा चीज अच्छा है। थोड़े फीचर्स कम मिलते हैं धन से, लेकिन काफी अच्छा है, आपको बेटर मिल जाएगा इसमें, लैगिंग वगैरह के चांसेस कम है, ये भी लैग होता है लेकिन धन से कम होता है। तो आप देख सकते हो कि आपको कौन सा खुलवाना है, और भी आप गूगल वगैरह पे रिव्यू पढ़ सकते हो, लेकिन गाइस मेरे हिसाब से तो फायर्स ज्यादा बेटर है इस कंपेयर टू धन। जहां तक मुझे पता है फायर्स काफी अच्छा है और काफी लोगों का रिव्यू भी अच्छा है, तो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। धन में तो मेरा अकाउंट है तो मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, तो इसलिए इसमें अगर आप ना खुलवाएं तो ठीक है, इससे अच्छा फायर्स में इसका अल्टरनेटिव है, खुलवा सकते हैं। बाकी गाइज आप अगर आपको ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए तो अपस्टॉक ज्यादा बेटर है गाइज, मुझे अपस्टॉक का जो चार्टिंग वगैरह काफी फास्ट है उसका, फटाफट चीजें हो जाती है, इसलिए मैं अपस्टॉक ही यूज करता हूँ, फायर्स और धन तो मैं यूज ही नहीं करता ना। तो इसीलिए धन में मैं एक बार चेक किया था कि क्या क्या होता है, चार्टिंग इतना स्लो है, स्लो अभी देखिए अपस्टॉक का क्या होता है, स्लो इंटरनेट पर भी काम करने लगेगा, लेकिन ये स्लो इंटरनेट पर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो कैसी लगी, वीडियो से लाइक कर दिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर